हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड। ठीक, अब मान लो आपने वो देखा ना, व्हेन ली टूर दी फ्रांस, वहाँ पे साइकिल बहुत तेज़ चलाते हैं उन लोग। अब जो साइक्लिस्ट है और जो साइकिल है, उन दोनों का जो मास है उसको अगर अपन कंबाइन करें तो वो बहुत कम होता है। अब मास कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जनरल फॉर्मूला होता है म्यू एम जी होता है, म्यू आर, वेयर आर इज इक्वल टू एम जी। तो अब मास बहुत कम है तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। अब अगर वो बहुत तेज़ रफ्तार से टर्न मारेगा तो फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम हो गया मतलब चांसेस हैं कि वो अच्छे से साइकिल को टर्न नहीं कर पाएगा और ट्रैक के बाहर गिर जाएगा उड़ते हुए। तो अब उसे फ्रिक्शन को इनक्रीज़ करना है ना, सेंट्रिपेटल फोर्स को इनक्रीज़ करना है। वो कैसे करता है? वो अपनी बॉडी को बेंड कर लेता है, ऐसा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे लीन कर लेता है। तो सपोज़ ये वर्टिकल है और वर्टिकल से वो थीटा डिग्री पे लीन कर रहा है। आर इस रोड का सर्कल है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द साइक्लिस्ट यू है। अब देखो यहाँ पर इसका वेट इस प्रकार लगेगा, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ठीक, अब ये आपका देखो, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ, ये बना दूँ, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, और एक ये बना लो, तो ये हो गया आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन थीटा। तो कहने का मतलब, जब साइक्लिस्ट आपका बेंड करता है तो ये जो आर साइन थीटा है नॉर्मल रिएक्शन का, जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है आर साइन थीटा, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है सभी को? है ना? अब देखो वेट कहाँ लगता है? वेट हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है कितनी वेलोसिटी से वो टर्न कर सकता है। इक्वेट कर दो आर साइन थीटा, इसने क्या प्रोवाइड कर दिया? सेंट्रिपिटल फोर्स, ये पहली इक्वेशन है। दूसरा आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया बेटा? वेट के बराबर हो गया, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों को डिवाइड कर दो, वन डिवाइडेड बाय टू, तो हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये एम जी, एम और एम कट गया, आर और आर कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया बेटा? ये हो गया टैन थीटा is equal to v square by rg, तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया tan inverse v square by rg। So this is the angle with which a cyclist should bend with the vertical in order to make a safe turning। ये minimum angle होता है, इसका आपका न्यूमेरिकल आता है। कुछ नहीं करना, आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट कर देनी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।